ओके दोस्तों, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। तो मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो मेरे हिसाब से, अगेन कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, इंडेक्स फंड्स आपके लिए बेटर है। और कौन से इंडेक्स फंड्स बेटर हैं, इंडेक्स फंड्स होते क्या है, उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप उन्हें कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी कि हाँ, तो इस तरह की भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे इन्हें मैनेज किया जाता है, सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ बताने की। अगेन मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाते हैं, आप उन लोगों को देख लेना। मैं जस्ट अपना ओपिनियन दूंगा, क्योंकि मेरे साथ कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको नहीं पता, मुझे थोड़ा सा पता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके गाइज, तो मैं इस समय आ चुका हूँ वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट के ऊपर। तो गाइज, अगर मैं छोटे एक सिंपल से तरीके में इंडेक्स फंड्स के बारे में बताऊँ, तो इंडेक्स फंड्स बेसिकली एक पूल ऑफ फंड्स है। बेसिकली उसके अंदर बहुत ढेर सारी स्टॉक मार्केट के जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो होती हैं, और इंडेक्स फंड्स इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे कोई एक म्यूचुअल फंड हाउस, जैसे आप देखते हैं कि कई कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और आप एड्स भी देखते हैं म्यूचुअल फंड सही हैं, एक्चुअल में मेरे हिसाब से हमेशा ये बात सही नहीं है कि म्यूचुअल फंड सही हैं। वो उसके पीछे रीज़न है कि म्यूचुअल फंड्स में एक इंडिविजुअल जो ब्रोकर होता है, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली इंडेक्स फंड्स के अंदर, पेन दूसरा यूज़ कर लें, सो इंडेक्स फंड्स के अंदर आप बेसिकली जो निफ्टी या सेंसेक्स, जो इंडिया के इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स, तो इंडेक्स फंड्स बेसिकली इसी को रेप्लिकेट करते हैं। तो रेप्लिकेट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई इंडेक्स फंड बाय कर रहे हैं जो कि टॉप 50 स्टॉक मार्केट की निफ्टी की कंपनीज पे लिस्टेड है। तो जिस हिसाब से, लेट सपोज 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ऐसे करके लेट सपोज 50 कंपनियाँ, जिसके अंदर टाटा भी होगी, जिसके अंदर रिलायंस भी होगी, जिसके अंदर ITC भी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिस हिसाब से ये टॉप 50 कंपनीज परफॉर्म करती हैं, उसी को ये इंडेक्स फंड मैप करता है। तो बेसिकली अगर आपकी टॉप 50 कंपनीज ऊपर जाएंगी तो आपका इंडेक्स फंड ऊपर जाएगा, एंड अगर आपकी टॉप 50 कंपनीज खराब परफॉर्म करेंगी तो उस हिसाब से। तो बेसिकली यहाँ पर जो काम होता है इंडेक्स फंड का, वो आपने अगर मान लो 5,000 रुपये खर्च कर रहे हो हर महीने, और एक SIP बना रखी है जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और वो 5,000 रुपये आप टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है, या आप मान लो एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हो, जिस मतलब वो इन्वेस्टर नहीं हो जो सही में कंपनीज को इवेल्यूएट करना जानता है, या आपका टाइम आपको अलाउ नहीं करता। तो ये 5,000 रुपये इन टॉप 50 कंपनीज में इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स फंडिंग के लाइक इंडेक्स इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट हो जाएंगे उस प्रोपोजिशन में जिस प्रोपोजिशन में ये टॉप 50 कंपनीज हैं। लेट सपोज टॉप 50 कंपनीज में जो पूरा का पूरा जो टॉप 50 कंपनीज का शेयर है, लेट सपोज 100% था, जिसमें फर्स्ट कंपनी का 20% है, तो आपके 5,000 रुपये में से 20% जो कि 1,000 रुपये हैं, वो पहली कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब इंडेक्स फंड जो इन्वेस्टिंग है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि वॉरेन बुफे हिमसेल्फ सेड दिस कि आफ्टर हिम, जो सारी उसकी जो विल, उसकी विल में ये डिक्लेयर है कि जो उसकी सारी वर्थ होगी उसे इंडेक्स के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाए, बिकॉज ही अंडरस्टैंड दिस कि लॉन्ग इनफ टाइम में हमेशा जो इंडेक्स है वो बहुत आगे जाएगा। जबकि अगर किसी म्यूचुअल फंड, नॉर्मल म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं जिसमें एक म्यूचुअल फंड मैनेजर बैठा होता है और वो सेलेक्ट करता है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, वहाँ पे उसके चांसेस इतने अच्छे नहीं हैं परफॉर्म करने के, दिस इज़ हिज बिलीफ, बिकॉज लॉन्ग इनफ टाइम पे बीट करना इंडेक्स को, इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी ट्रिकी और वेरी वेरी चैलेंजिंग। और अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर हो, या आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो और आपके पास टाइम नहीं है कि मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स को बेसिकली इवेल्यूएट करूं, तो आपके लिए इंडेक्स फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। मैं खुद पर्सनली इंडेक्स के ऊपर ही इन्वेस्ट करता हूं, लाइक मेरी सारी 80% ऑफ माय यू नो मेरा पोर्टफोलियो जो है वो इंडेक्स के अंदर पड़ा है। रीज़न भी कि मेरा जो बिज़नेस है, मैं वहाँ पर इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं नहीं इंडिविजुअल स्टॉक्स को इवेल्यूएट कर सकता। मैं कर सकता हूँ अगर मैं अपने मेन बिजनेस को छोड़ के इस बिजनेस में लग जाऊँ, लाइक इन्वेस्टिंग में लग जाऊँ, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरा जो मेन बिजनेस है इट मेक्स मी अ लॉट ऑफ मनी। अब लेकिन मुझे अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना है और उसे कंपाउंड करना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो बेस्ट
मेरे लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो है इंडेक्स फंड्स। और इंडेक्स फंड्स के अंदर सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस आपसे 1-2% की एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, जो कि बेसिकली फीस होती है हर साल की। इंडेक्स में वो जो फीस है वो ऑलमोस्ट इसके आसपास की होती है। कई ऐसे भी फंड्स आते हैं नहीं जिनकी फीस इवन 0.06% होती है। कई लोग सोचेंगे कि अरे यार 1-2% और इसमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, 1% तो है। जब आप लॉन्ग इनफ टाइम पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 1-2% के ऊपर ड्रास्टिकली फ़र्क पड़ेगा। आई नो अ लॉट ऑफ बिग गाइज जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके पास मल्टी मिलियन डॉलर्स की वर्थ है, वो लोग भी, उन्हें मालूम है कि दे डोंट हैव टाइम टू इवेल्युएट द इंडिविजुअल स्टॉक, वो लोग भी इंडेक्स के अंडर ही बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडेक्स फंड्स कैसे दिखते हैं और आप कहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। और उसके बाद आप यूट्यूब के ऊपर ना बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं, आप उन लोगों को फॉलो करो और उन लोगों को फॉलो करके आप इंडेक्स फंडिंग के बारे में जानो। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ और मैं इंडेक्स फंड में क्यों जा रहा हूँ, रेदर देन मैं म्यूचुअल फंड में जा सकता था। और म्यूचुअल फंड को मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूँ एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड को, बिकॉज आप देखते हो न्यूज़ में आता रहता है म्यूचुअल फंड सही है, और फिर बाद में आता है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें आपको एक चीज़ नहीं बताई जाती कि म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंडिंग की आपके पास एड्स नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज इंडेक्स फंडिंग में आपको जो 0.10 एक्सपेंस रेशियो है बस उसी का खर्चा है, और जबकि म्यूचुअल फंड हाउसेज दे मेक 1% फ्रॉम यू एंड दैट 1% इज अ वेरी बिग अमाउंट। और अगर आप कभी भी कोई भी अगर म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करने जा भी रहे हो, आप सिर्फ ये चीज़ चेक करो कि उसने लास्ट 5 साल में और लास्ट 10 साल में कैसा परफॉर्म किया, और उस म्यूचुअल फंड हाउस को इंडेक्स के साथ चेक करो। अब इसके लिए आपके थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़, फाइनेंशियल लिटरेसी ऐसी आती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंडेक्स फंड्स आप कैसे सेलेक्ट करोगे, कौन सा इंडेक्स फंड आपके लिए सही है, आप कैसे इवेल्यूएट कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि आप वही सेलेक्ट करना, इट्स जस्ट माय ओपिनियन, और आपका बस आपको एक रूट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता इंडेक्स फंडिंग के बारे में, और इंडेक्स फंड को ना ज़्यादा पॉपुलर किया भी नहीं जाता। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज वहाँ पर किसी का कमीशन नहीं बन रहा, तो कमीशन जहाँ नहीं बनेगा तो उसे एडवर्टाइज़ करके कोई फ़ायदा ही नहीं है कंपनी को, राइट? तो मैं अब दिखाता हूँ आपको कि इंडेक्स फंड सेलेक्ट कैसे करते हैं। सो मैं आ गया हूँ वैल्यू रिसर्च के ऊपर। यहाँ पे अगर आप सिर्फ निफ्टी लिखोगे तो आपके सामने कई ऐसे फंड्स ओपन होंगे, फॉर एग्जांपल ईटीएफ। तो हम ईटीएफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वी विल जस्ट लुक फॉर इंडेक्स। तो यहाँ पे आया मेरे पास निफ्टी इंडेक्स फंड, ये एग्जैक्टली वो फंड है जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट कर रखा है। मैं पहले इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, और इसको सर्च करते हैं। और यूटीआई इज़ यू नो लाइक अ वेरी वेरी ओल्ड कंपनी, और दे कम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दे हैव बीन बैक्ड बाय एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक और प्लेयर है मुझे याद नहीं। और प्लीज़ बट अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करना और चेक करना जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ। मैं कई चीज़ें हो सकता है कि ऊपर नीचे बोल दूँ, एज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो यहाँ पे आप देखना कि ये पर्टिकुलर जो फंड है, अभी तक पहले बात आपको देखना है कि कितना बड़ा फंड है। आप राइट हैंड साइड पे जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी चीज़ें। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख रखा है 5,000 सिप मिनिमम। ओके, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 5,000, लेकिन अगर आप सिप कर रहे हो, सिप का मतलब होता है हर महीने जो आप एक छोटी सी अमाउंट पे करके बेसिकली मार्केट में इन्वेस्ट होना चाहते हो, तो 500 रुपये, ग्रेट। और इसके बाद एग्जिट लोड 0 है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये ज़रा ट्रिकी हो जाएगा। बट अगर हम इसे देखें तो इस समय इसका एक्सपेंस रेशियो चल रहा है 0.20 का, जब मैंने शुरुआत करी थी तो 0.10 का था। ये इसका एक्सपेंस रेशियो इस वजह से इंक्रीज़ हुआ कि अब ज़्यादा लोग इंडेक्सिंग की तरफ स्लोली स्लोली मूव करने लगे हैं, मैं बोल रहा था हॉली हॉली मूव करने लगे हैं, पंजाबी आई जाती है बीच में। तो स्लोली स्लोली लोग इंडेक्स फंडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें समझ आ रहा है कि लॉन्ग इनफ टाइम पे अगर उन्हें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना और अपने काम पे फोकस करना है और चाहते हैं कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनकी कंपाउंडिंग होकर एक अच्छी खासी वर्थ हो जाए, तो इंडेक्स फंड्स आर एक्चुअली द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी तक जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेके अब तक इसने 13.17 का ओवरऑल रिटर्न दिया है, विच इज़ ग्रेट। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे ये फंड का दिखा रहे हैं, 3 महीने में 10-10.5% के आसपास, 6 महीने में 9.5%, 1 साल में 50%, बिकॉज
आप रिलेटिव होता है ये चीज़। अगर मान लो आपने पैंडेमिक के समय शुरू किया था, तो पैंडेमिक के समय फंड्स जो सारे के सारा इंडेक्स था वो नीचे आ चुका था। जब नीचे आया और आपने तब से शुरू किया, तो यू एक्चुअली मेड 50%। तो मेरा इस समय ओवरऑल जो मेरा रिटर्न चल रहा है वो 36-37% चल रहा है, विच इज़ ग्रेट। और यहाँ पे आपको मालूम पड़ता है कितना पुराना फंड है, तो 7 साल में 12.6। और इसके यहाँ पे आपको और भी डिफरेंट जो फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, या उनके साथ के कंपैरेटिव कंपैरिजन के लिए नीचे दिखा दिया जाता है आपको। वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड वेबसाइट। तो आप देखो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इंडेक्स। और अब अच्छा, इसमें ना दो तरीके के प्लान्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान और एक होता है रेगुलर प्लान। जब भी सिलेक्ट करो इंडेक्स फंड कोई भी, हमेशा डायरेक्ट प्लान करना, बिकॉज जैसे ही मैं इसे रेगुलर करूँगा तो मैं दिखाता हूँ क्या होगा। ये चीज़ें आपको लोग नहीं बताएंगे, और ये चीज़ें आपको जो अब आप करवाने जाते हो ना अपना म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाती, बिकॉज दिस इज़ वेयर दे एक्चुअली मेक मनी। तो जैसे ही मैंने इसे रेगुलर किया, देखो एक्सपेंस रेशियो 30.30 हो गया, और जब मैंने इसे डायरेक्ट करा तो 0.20 हो गया। जबकि इंडेक्स के अंदर डायरेक्ट और इसकी ज़रूरत है नहीं रेगुलर की। तो रेगुलर में क्या होता है कि एक मिडिल पर्सन ऐड हो जाता है जो कि अपना पैसा ले लेता, 0.10% ले रहा है आपसे। डायरेक्ट में आप स्ट्रेट अवे खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, और इंडेक्स फंडिंग बनी इस वजह से थी कि एक नो नथिंग इन्वेस्टर, एक आम इन्वेस्टर अगर मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो सीधा सिंपल सा एक इंडेक्स फंड ले ले। और इंडेक्स फंड सेलेक्ट करते समय हमेशा आप कंपनी देखो कि आप किस कंपनी का ले रहे हो। UTI अगेन मैंने कहा सेंट्रल बैंक कंपनी है, और एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दे हैव बीन लाइक दे आर एट, ये तब से हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और मोस्ट प्रोबेबली जितने लोग देख रहे हैं शायद वो भी जब पैदा नहीं हुए थे तब से ये कंपनी है। अब इसके अलावा अगर मुझे जाना है तो मैं इंडेक्स में दोबारा लिखूंगा, या तो मैं लिख सकता हूँ निफ्टी 50, और जैसे ही मैं निफ्टी 50 लिखूंगा तो और फंड्स ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हो गया SGFC का, और इसके अलावा यहाँ पे हो गया ICI का। तो हम ये एक और फंड निकाल के देखते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें और UTI में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले डिफरेंस जब मैं देखूंगा, मैं सबसे पहले नीचे आऊँगा राइट हैंड साइड पे देखूंगा, और यहाँ पे देखूंगा कि पहली बार देखो वहाँ पे एग्जिट लोड 0 था, यहाँ पे 0.25% है। तो मतलब अगर आप एग्जिट करने की कोशिश करोगे विद इन 3 डेज तो आपसे 0.25% वो काट लेंगे। तो यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.20 का है, तो इसका भी उसके बराबर ही है। और इसकी जो परसेंटेज निकल के आया है रिटर्न सिस लॉन्च लाइक 13.35%। अब ना ये कई बार लोगों की ऊपर नीचे हो सकती है। लेट सपोज ये फंड लास्ट ईयर ही शुरू हुआ होता तो इसकी जो रिटर्न होती ना वो 50% से ज़्यादा होती, बिकॉज निफ्टी नीचे गिरा हुआ था पूरा का पूरा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, हमेशा देखो कितने लंबे समय से वो रन कर रही है। और ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी इंडेक्स फंड या किसी भी इवन म्यूचुअल फंड। आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड कोई भी उठाओगे ना, लेट सपोज हम उठा लेते हैं एक ICICI प्रूडेंशियल, लेट सपोज अगर आ जाता है डिस्कवरी फंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मैं वही बता रहा हूँ, आप लोगों को एक्चुअली एनालाइज करना आना चाहिए कि आप जब भी कुछ कर रहे हो तो कैसे करते हैं, चेक करते हैं। इंडेक्स फंड इज डेफिनेटली लाइक फॉर मी इट्स द बेस्ट थिंग। अगर मेरे को मान लो 1 करोड़ रुपया सीधा इन्वेस्ट करना हो, फॉर मी मेरे पास सबसे पहले दिमाग में जो चीज़ आएगी वो शायद यही आएगी। तो ये रहा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1.24%। दिस इज़ वेयर दे एक्चुअली मेक मनी। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप ये वेबसाइट को सर्च करो, इंडेक्स फंडिंग को रिसर्च करो। इंडेक्स फंड करने के लिए आप जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का फंड लेना चाहते हो उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हो। UTI के लिए UTI म्यूचुअल फंड, ICICI के लिए आई थिंक ICICI होगी, SGFC के लिए SGFC होगी। सो सिंपल है, थोड़ा सा रिसर्च करो। यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे बंदे हैं। वरुण मल्होत्रा इज़ बाय फार माय फेवरेट वन। वरुण मल्होत्रा को फॉलो करो इफ़ यू वांट। दे आर अदर गाइज एज वेल, मैंने उनका कंटेंट नहीं देखा बट आई एम श्योर दे आर रियली रियली गुड। आपको जिस बंदे की बात ज़्यादा समझ आती है आप उसको फॉलो करो एंड इन्वेस्ट करो। अगेन ये सिर्फ उन 5 लोगों के लिए है जो मुझे रेगुलरली देखते हैं और वो चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ बताऊँ इस बारे में जो मैं खुद से करता हूँ। सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद एवरीवन। मॉर्निंग वीडियो थी, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोज। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, सी यू, चंगा जी।